हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों, मैं होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में आज फिर। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक न्यू जर्नी को एक्सप्लोर करने, जिसका आपने टाइटल में नाम पढ़ लिया होगा, जिसका नाम है दोस्तों दिल्ली आउटर रिंग रोड। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूँ आउटर रिंग रोड की, तो आउटर रिंग रोड इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली एंड is a ring road that encircles the city of Delhi. It has three lanes in each direction with a total length of 47 kilometers. Aur agar main baat karun to there are several stretches of the outer ring road have been notified as national highways. So friends, ye jo aap dekh rahe hain outer ring road dosto, ye hamara connect karta hai aapka Madhuban Chowk se leke aapka dosto Rajghat ITO tak. और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, हम आउटर रिंग रोड के फ्लाईओवर पर हैं। और इसके अगर दोस्तों लेफ़्ट साइड की मैं बात करूं तो ये आपका रोहिणी एरिया है, और दोस्तों अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो ये पीतमपुरा और शालीमार का एरिया है। ये जो फ्रेंड्स आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये दोस्तों येलो लाइन मेट्रो का ब्रिज है, और जो कि आपका कनेक्ट करती है बादली हैदरपुर से लेकर गुड़गांव हुडा सिटी सेंटर तक। बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्तों टर्मैक रोड्स हैं, और ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं दोस्तों, करनाल बाईपास के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। और राइट साइड में दोस्तों आपका पीतमपुरा शालीमार बाग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली करनाल बाईपास आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आप हरियाणा करनाल सोनीपत पानीपत चंडीगढ़ पंजाब की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ से बस या टैक्सीज के थ्रू आप जा सकते हैं। काफ़ी वाइडर रोड्स हैं दोस्तों, 3-4 लेन वाइडर रोड आपको देखने को मिल जाएंगे विद प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स, ग्लो साइन बोर्ड्स एंड स्पीड सेंसिंग कैमराज अवेलेबल हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं दोस्तों ISBT नोएडा के लिए सीधा रास्ता है, और आप भजनपुरा इन जगह पर अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वज़ीराबाद के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है दोस्तों, आज देख सकते हैं आप, टाइम इस टाइम हो रहा है दोपहर के 12:34 दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रेच की तो यहाँ आपको ट्रैफिक जैम का इशू देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी वाइडर रोड्स हैं आप देख सकते हैं, 4 लेन वाइडर रोड्स हैं टर्मैक यहाँ पर, और जो कि आपका कनेक्ट करता है दोस्तों ITO सिग्नेचर ब्रिज से होकर ITO राजघाट और गीता कॉलोनी की तरफ। और काफ़ी मल्टीपल नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों इस रोड पर। यू कैन फाइंड वेरी इजी एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यार दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा ब्यूटीफुल फुटओवर ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। धनुष का इसको आकार देने की कोशिश की गई है दोस्तों, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी मेंटेन है दोस्तों, आप सेंटर में देख सकते हैं फुटपाथ पर और साइडों पर रोड के। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां से राइट साइड का जो एरिया है दोस्तों, आपका भलासवा डेयरी, मॉडल टाउन, किंग्सवे कैंप, GTB नगर, ये सारे एरिया यहाँ से आएंगे। और ये दोस्तों अगर मैं लेफ्ट साइड के एरिया की बात करूँ तो ये आपका दिल्ली का बुराड़ी एरिया और मुकुंदपुर एरिया इसको बोला जाता है। आप देख सकते हैं मुकुंदपुर, जहांगीरपुरी, आज़ादपुर के लिए स्टेट, और वज़ीराबाद इसके लिए आपको स्टेट जाना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों राउंड अबाउट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनाए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आज़ादपुर की, तो आज़ादपुर इज़ वेरी बिग एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट टर्मैक रोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आउटर रिंग रोड का दोस्तों सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आप सिटी के आउटर से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं, और अगर आप यही सिटी के अंदर से जाते हैं थोड़ा सा आपको रेड लाइट्स और ट्रैफिक का इशू फेस करना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है दोस्तों कि आप यू कैन अवॉइड ट्रैफिक जाम
बाय टेकिंग आउटर रिंग रोड। देख सकते हैं दोस्तों वेदर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस आउटर रिंग रोड पे आपको काफ़ी जगह पर पेडेस्ट्रियन अंडर पासिस देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं दोस्तों, तो वो आपको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के पास मिल जाएगा, IIT फ्लाईओवर और सरस्वती विहार, सोमी नगर, मंगोलपुरी, नेहरू प्लेस, मुनिरका, पावर हाउस पीतम्बुरा, रामा मार्केट, इन जगह पे आपको दोस्तों पेडेस्ट्रियन अंडरपास देखने को मिल जाएगा। और एंड फ्रेंड्स, एडिशनल पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस आर टू बी कंस्ट्रक्टेड एट दी फॉलोइंग पॉइंट्स विच नेम इज कालकाजी टेम्पल जंक्शन एंड पंचशील कॉलोनी। इन जगह पे दोस्तों अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, जो कि बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा वहाँ का। आप देख सकते हैं बुराड़ी निरंकर कॉलोनी की लेफ्ट, ISBT नोएडा भजनपुरा के लिए यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना पड़ेगा। या आप देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही फास्टेस्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों दिल्ली में फ्लाईओवर्स और मेट्रो की कंस्ट्रक्शन का वर्क ऑनगोइंग है, जो कि बहुत जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छी ग्रीनरी दोनों साइड रोड के दिख जाएगी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्काई है आज दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये बेल आइकन भी प्रेस करिए, और आप लोगों का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। एंड दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ, ऑलवेज़ वियर सीट बेल्ट वाइल राइडिंग 4-व्हीलर एंड ऑलवेज़ वियर हेलमेट वाइल राइडिंग 2-व्हीलर एंड फॉलो ऑल दी ट्रैफिक रूल्स दैट आर मीड फॉर आवर सेफ्टी। दोस्तों यही रास्ता है जो कि आपका मजनू का टीला, ITO राजघाट कनेक्ट करता है, और यहीं के थ्रू दोस्तों आप सिग्नेचर जो ब्रिज नया बना है आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस रास्ते के थ्रू। आप देख सकते हैं दोस्तों इस आउटर रिंग रोड में आपको काफ़ी सारे मल्टीपल नंबर ऑफ सेम डिज़ाइन के फुटओवर ब्रिज देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाए गए हैं दोस्तों एज ए सेफ्टी कंसर्न। जो आप लेफ्ट साइड में ये देख रहे हैं इसको बुराड़ी एरिया बोला जाता है दोस्तों, और निरंकारी कॉलोनी भी यहीं पर सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी जर्नी थोड़ी सी छोटी थी, बट हमारी जर्नी यहाँ फिनिश होती है। मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो गिव सब ए थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। टिल देन दोस्तों टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।